ਵਾਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲਾ ਆ ਗੋੜ ਚ ਖਾਲ ਗੋੜ ਖਾਲਾ ਗੋੜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਭਰਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाट हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। एस प्रॉमिस, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अगला व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा कि गुड़ कैसे बनाया जाता है, आज के व्लॉग में मैं स्पेशली मैंने आना नहीं था, तो मैंने नोमी को भी लेके आना था। नोमी को मैंने की थी कॉल, नोमी सोया हुआ था, नोमी कहता मैंने नहीं आना, मतलब मुझे एक दो काम है, उस वजह से फिर वो तो नहीं आया। मैं कोई बात नहीं, तो मैं अकेले चले जाता, तो मैं आया हूँ बाबा के साथ अब इधर गांव। अब जा रहा हूँ डेरे चल के, फिर वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि गुड़ कैसे बनाया जाता है, सारा प्रोसीजर आपको बताएंगे आज। तो जी, मेरा नाम है मोहम्मद जवाद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मम्मा कहती तुम मुँह को टेढ़ा कर लेते हो, मैं कहूँ स्टाइल में कहता हूँ ना, स्टाइल है रे बाबू भाई का, स्टाइल है रे बाबा, ये बाबू राव का स्टाइल है। سبيل الدموع سبيل مريح كان هدايا صحي كي تستريح وغوث الدعاء الغفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم اچھا جی تو پہنچ چکے ہیں جی डेरे पे, अब चलते हैं बैक साइड पे। पता नहीं अभी वेलना चल रहा है कि नहीं, जाके देखता हूँ, अगर तो चल रहा है फिर चल के इसका व्लॉग बनाते हैं। तो चलें जी, आपको मैं लेके चलता हूँ अपने साथ। चल रहा है जी वेलना जी, चल रहा है। कल को मैंने बोला था, मैंने कहा कल को, कल जुमा था, कल निकाला नहीं था, तो मैंने कहा था मैं हफ्ते वाले दिन में आऊँगा, मैंने व्लॉग बनाना है, आपको सारे स्टेप दिखाएंगे आज, स्टेप वन से लेकर स्टेप लास्ट तक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चंगी तरह कार चीड़ भी कड़ी चल रहे, नहीं हले रहने दे। अस्सलाम वालेकुम, नहीं नहीं हले कोई नहीं, इन्ना प्यार करना ही है, नहीं इतें ही हैं। मैनू पढ़ने पाऊंगा बाद, मेरे को बोलिया भी नहीं जाना। ये बनाई गई है चीड़ मेरे लिए, और इसे खा के आपसे बोला भी नहीं जाता दान चिपक जाते हैं। अल्लाह, इसे एक किस्म की ये कैंडी होती है। छोड़ दो। वो इन्नी बड़ी मैं तुझे बोलिया नहीं जाना शाम तक, मेरे को ब्लॉग से तो बोलना होना था, मैं तो बोलूंगा भी क्या, ओही मैं कह रहा, मैं तो बोलांगा फिर की तुसी बोलोगे फिर, मेरे को तो बोलिया नहीं जाना। लो जी बस अब नहीं बोला जाना, मुंह चिपक गया, बोल होना ही नहीं। चल चुका है जी ट्रैक्टर, अब इसके अंदर से निकाली जाएगी गन्ने की रस। सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है कि गन्ने लेके आते हैं खेत में से, यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर से निकलेगी रस। जा रही है इसके अंदर गन्ने का रस जो था ना, वो इसके अंदर गया, ये एज ए छन्नी के तौर पे काम कर रही, जो गन वगैरह होता ना, ये देखिए ये वाला, ये ऊपर आ जाएगा वो इसके अंदर चला जाएगी, वो गई। कुछ कहना चाहोगे? मैं नहीं, क्यों कुछ दसो बारे की होंदा है? अच्छा। अच्छा।
बस पक जाएगी। ये है जी सेकंड प्रोसेस। पहले वो जब मैं आपको बताया था कि वहां से पहले रस निकाला गन्नों के अंदर से, फिर डब्बे के अंदर। पंजाबी च रंबा कही था वा खरखरा, उर्दू च हाथ च फड़न वाला तैयार, पंजाबी च खरखरा, इंग्लिश च फस गया सी है। ये जी अमर भाई बताएं अब इसको क्या कर रहे हैं आप? अब इसकी मैल उतारी जा रही है क्योंकि नीचे इसका चूल्हा चल रहा है। आपको चूल्हा तो मैंने दिखाया ही नहीं इसका। इन पंजाबी से की कही था भला चुबा पंजाबी में ऐसे ना थोड़ी जगह अगे करने वाली। इसको पंजाबी में चुबा कहते हैं और उर्दू में इसको चूल्हा कहते हैं। ये देखें इस कढ़ाई के बिल्कुल नीचे चूल्हा चल रहा है। नीचे ये देखें आग आपको नजर आ रही होगी। और ये इसका लगाते हैं इसके अंदर, कह लो कि आग जलाने का ये काम देता है। हवा वाला सुराख है जो इसके, ये हवा वाला सुराख है। इसके अंदर से गर्म गर्म हवा जो इसकी राख होती है ना, इसकी जो जलाते हैं उसकी राख इसके अंदर से निकलती है। उसको फिर अंदर से ना बेलटे से बाहर निकाल देते हैं। अब इसकी जी ये मैल उतारी जा रही है। ये जी सोडे वाला डब्बा रखा है, इसके अंदर सोडा डालने लगे हैं। ये सोडे ना पान ना की होगा, चमक आएगी इसके अंदर। अच्छा निखार क्या लो उस टाइप का निखार ही कही था ना। हाँ अब इसका निखार करेंगे। अब इसके अंदर जो सारी मैल वगैरह थी ना ये सब निकल चुकी है। अब इसके अंदर वो देखे सोडा डाला था उसके अंदर, अब उसके अंदर थोड़ा सा रस डाला तो वो सारा फूल गया। अब इसको स्लो स्लो करके आहिस्ता आहिस्ता डालते रहेंगे इसके अंदर और फिर ये इसका रंग व्हाइट होता रहेगा, थोड़ा सा पीला आ जाएगा। अभी ये ब्लैक ब्लैक सा है ना, फिर इसका रंग सही आएगा। जिस तरह का वो येलो कलर है उस तरह का रंग इसका बाहर आएगा। ये देखना अब इसका वो देख आई ना वो येलो कलर का ऐसी, ये चीज मैं कह रहा था ये चीज। ये देखिए जी उसके अंदर से निखार भी निकल रहा है और ये साइडों पे मैल आती रहेगी ऐसा ऐसा, अभी सारी मैल निकल जाएगी। ओ मुरा सी दंद कड्डी अंदर बैठे सूख गई हैं। आगे कहता इधर आ जाओ ये पेशियां सूख गई हैं। ये देखें जी सारी इसकी मैल शर उतर गई, निखार अच्छे तरीके से आ चुका है। अब इसको पकाएंगे बैठ के। अमर भाई अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, अब इसको अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे। ये देखें पक रहा है नीचे से। ये देखें जी मैल शैल इसकी सारी उतर चुकी है, हल्की हल्की आती है साइडों पर, जो ऐसे करके निकालते हैं और इसके अंदर ऐसे डालते। अब इसको उबाले आएंगे, जैसे जैसे उबाला आता रहेगा वैसे वैसे फिर पकती रहेगी। इंतजार करते हैं इसके पकने का। बाबा बाला ही नहीं आंदा यार इन्हू। बाबा तू बाले दिन दिन दो तीन बंदे फड़काते हल तक बाला नहीं आया, कादी तेरी दहशत आवे। नहीं तो एक मिनट च वाला आना सी, काम छाड़ दिता नहीं वाला आया। बाबे ने अगे गल्ला करा कर करके दो तीन बंदे फड़काते ते वाला ही नहीं आया हल तक। शादी कित्थों है? मोटरसाइकिल के दी भाई जी, तो मोटरसाइकिल बैठा कबूतर लगता तू कसमे भी। मैं उन्होंने पूछा मैं फैदी मोटरसाइकिल बैठा की लगता, कहना कबूतर लगता। ओ स्टार दा मुंडा कहना। ये जी उबाला आने लग गया है इसको, हमने शेफ चेंज कर लिया। पहले हमारे पास बाबा बैठा हुआ था जो इतनी इतनी लंबी बातें छोड़ रहा था, हम उसको भगा दिया। हमारा शेफ आ गया मोहम्मद आमर। आपको मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ जो इसके अंदर डलते हैं। ये है जी इसके अंदर है सोडा, ये है जी रंग काट, ये थोड़ा सा रह गया आपको दिखा रहा हूँ। इसको कहते हैं रंग काट, ये जो दिखा रहा हूँ ना इसके बगैर गुड़ नहीं बनता, ये इसलिए डाला जाता है इसके अंदर। और ये जो है कासबान, कासबान निखार के लिए जो देता है, मतलब कासबान कलर लेके आता है। तो सोडा क्या लेके आता है? ये क्या करता है? मैल उतारता है। अच्छा 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 ये जो है ना इसके अंदर कासबान, ये जो इसके ऊपर मैल आ रही थी ना ये वो ये लेके आ रहा था। उसको जो रस था ना उसको अच्छे तरीके से उसको सफाई कर रहा था अंदर से। इसने सारी मैल निकाल दी और इसको डाला ये गुड़ के अंदर डलता होता है, और ये सोडा था जिसने इसका निखार कर दिया। अब इसको आधा घंटा पकाएंगे, उतनी देर मैं नमाज पढ़ लूँ जोहर की, तो फिर आते। भाई तो धूप इतनी कुछ ज्यादा है ना शदीद किस्म की। नमाज का टाइम हो गया, जोहर की नमाज पढ़ते हैं। मौलवी साहब मेरे ख्याल है ही नहीं लगता मस्जिद में, खुद ही पढ़नी पड़ेगी। फियाजी को फोन कर रहा हूँ, फियाजी उठा ले। तो मस्जिद को ना लॉक लगा हुआ है,
चाबी मेरे पास है ही नहीं अभी, तो वो फोन ही उठा रहा, जैकेट लटका दी, आ गया मरासी, फोन उठाता नहीं तो यार, तो फोन ही नहीं चकता फोन, कहना गल तो मसरूफ सी का। जैकेट रखते हैं अंदर, नमाज पढ़ ली मैंने जोर की, अब चलते हैं। ये जी अब इसके अंदर मानेंगे छननी ऐसे करके, पक चुकी है अब इसको ऐसे ऐसे हिलाई जाएंगे। ये जी इस तरह फेरा जाता है इसके अंदर, चलो जी पक चुका है अब इसको निकालते हैं बाहर इसके साथ। ये ले जी अपना हथियार पक चुकी है, अब इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे निकाली जाती है ये, पकने वाली यहाँ पे आगे, अब ये ठंडी होगी फिर इसके वो आगे प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा। ये है जी सेकंड लास्ट प्रोसीजर, जब इसके अंदर से, जब इसके अंदर डाला था ना आगे, तो इसकी करेंगे जी गोडी, गोडी कही था ना इनू, वो इसको जो जिस हाथ में पकड़ा उसको कहते हैं रंबा पंजाबी में, उर्दू में पता नहीं क्या कहते उसका मुझे नहीं पता। अब इसकी हो रही है गोडी, इसको अच्छी तरीके से ऐसे करते रहेंगे बार 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 बार, फिर ये इसके अंदर हार्डनेस आ जाएगी। एक जी भाष ही आई है इसके अंदर, ड्रम के अंदर डाली गई है रो सारी, और इसके अंदर ये लगी हुई है टूटी इसके अंदर, ये देखे अच्छा ना गल करा देना, ये कहते कहना मेरे से बात करवाओ किसको बता रहे हो, मैं तारी गल करा देना। चलो दसो उर्दू च आंदे खरखरा। अच्छा इंग्लिश बिच आंदे डबोचना। ठीक है बाकी आ हुण तेरे सामने बनदा पिया वेख ला। अच्छा ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ? ਮਿਸੀਆਂ ਵੀ ਲਾਓ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਭਲਾ? ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ YouTube ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਉਸਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਨੈਟ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ? ਅਜੇ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, टुकड़ियां करके बना रहे हैं, और इसे पंजाबी में कहते हैं पेसी, गुड़ की पेसी, और उर्दू में कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े बना के ना बिस्किट टाइप इसको बनाते हैं हाथ से, गर्म होती है वैसे तो, इसको यहाँ पे बना बना के रख रहे हैं, और फिर अभी ये नरम है, जब सख्त हो जाएगी फिर एक प्रॉपर एक कुकीज़ की तरह बन जाएगी, जिस तरह का बिस्किट होता है ना उस तरह ये हार्ड हो जाएगी, और आपका गुड़ बन के तैयार। ये है जी लास्ट प्रोसेस, बनाओ यार गौड़गी गल तो करो, गल नहीं करनी यार, क्यों लड़ते इस तरह बनाई जाती है पंजाबी में पेसियां कहते हैं, और ये सख्त हो रही है ना, ये देखे उसको उल्टा उल्टा के जगह बना रहा है, इधर साइड पे करेगा अब तो वहाँ पे फिर नई लाइन लगाई जाएगी, गर्म होती है हाथ जल जाता है,
देखिए मेरी उंगलियां रेड हो गई हैं। सारा प्रोसीजर आज मैंने आपको दिखा दिया कि गुड़ कैसे बनाया जाता है शुरू से लेके एंड तक। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने अपने वालदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी मानिल।